आज समर स्पेशल में मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग से पॉप्सिकल्स की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश फ्रूट पॉप्सिकल्स। ये दिखने में बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल होते हैं और डिलीशियस होने के साथ साथ हेल्दी भी होते हैं। इनमें बहुत ही कम कैलोरी होती है और ये न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, तो आपका जब भी मन करे आप इन्हें बनाकर एकदम गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट पॉप्सिकल्स बनाने के लिए हमें फ्रूट्स चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेश सीजनल फ्रूट्स लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि पॉप्सिकल्स बनाने के लिए आप भी इन्हीं फ्रूट्स का यूज़ करें, आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी दूसरे फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इन फ्रूट्स को कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट लिया है। आप इसे पॉप्सिकल्स में डालना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं ड्रैगन फ्रूट का छिलका उतार लूँगी और उसके बाद इसे पीसेस में कट कर लूँगी। पीसेस का साइज़ हमें यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है, यानी हमें इसे मीडियम साइज़ के पीसेस में ही कट करना है। अब मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा राइप हुआ हुआ मैंगो लिया है, तो अब हम आम का भी छिलका उतार लेंगे और इसे मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लेंगे। गर्मी के सीज़न में आम बहुत ही आसानी से सभी जगह मिल जाता है और पॉप्सिकल्स बनाने के लिए आप किसी भी किस्म के आमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने मैंगो के भी पीसेस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट फ्रूट मैं ले रही हूँ कीवी। इसकी भी मैं ऊपर की स्किन हटा दूंगी और इसे इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लूंगी। अब मैंने यहाँ पर ली है फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। इनका भी मैं ऊपरी ग्रीन वाला पार्ट हटा दूंगी और स्लाइसेस में कट कर लूंगी। स्ट्रॉबेरीज की जगह आप यहाँ पर वाटरमेलन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सभी फ्रूट्स को पीसेस में कट कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ काले अंगूर भी लिए हैं। इन्हें हम कट नहीं करेंगे, इन्हें हम बिना कट किए ही यूज़ करेंगे। और थोड़े से अनार के दाने लिए हैं। तो हमारे सभी फ्रूट्स रेडी हैं, अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर पानी वाला नारियल लिया है। हम हेल्दी पॉप्सिकल्स बना रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर नारियल पानी का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर नारियल पानी की जगह नींबू पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम नारियल को ऊपर की तरफ से कट कर लेंगे और इसका सारा पानी एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने नारियल का सारा पानी निकाल लिया है और नारियल में से लगभग 250 ml जितना पानी निकला है। अब मैंने यहाँ पर 2 teaspoon पिसी हुई चीनी ली है, इसे हम नारियल पानी में डाल देंगे और इसे नारियल पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो चीनी की जगह आप यहाँ पर शहद का भी यूज़ कर सकते हैं, और चीनी या शहद की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नारियल पानी में हल्की मिठास होती है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मीठा हम नहीं डालेंगे। तो चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। पॉप्सिकल्स को जमाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक के मोल्ड्स लिए हैं। आपके पास जिस भी तरह के मोल्ड्स इजीली अवेलेबल हो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो फ्रूट्स कट करके रखे थे उन्हें हम बारी बारी से मोल्ड के अंदर डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं मोल्ड में कीवी के स्लाइस डाल रही हूँ और उसके बाद बारी बारी से मैं सभी फ्रूट्स मोल्ड में थोड़े थोड़े करके डाल दूंगी। फ्रूट्स को हल्के हाथों से दबा दबा के डालेंगे ताकि बाकी के फ्रूट्स के लिए भी अच्छे से स्पेस हो सके। आप इसमें अपनी पसंद का कोई और फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या इनमें से जो फ्रूट्स आपको पसंद नहीं है या इजीली अवेलेबल नहीं है उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने मोल्ड को फ्रूट से अच्छी तरह फिल कर लिया है। अब इसी तरह से हम बाकी के मोल्ड्स को भी फिल कर लेंगे। मोल्ड के अंदर हमें फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा दबा दबा के भी नहीं भरना है और मोल्ड को बहुत ज़्यादा खाली भी नहीं रखना है। तो मैंने सभी मोल्ड्स को फ्रूट से अच्छे से फिल कर दिया है। अब हमने नारियल पानी और चीनी का जो सिरप बना के तैयार किया था उसे भी मोल्ड में फिल कर देंगे। नारियल पानी की जगह आप यहाँ पर नींबू पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू पानी के साथ इन पॉप्सिकल्स का टेस्ट और भी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो मैंने मोल्ड्स को नारियल पानी से फिल कर दिया है। अब हम सभी मोल्ड्स को ऊपर से लिड से कवर कर देंगे। सभी मोल्ड्स को लिड से कवर करने के बाद हम पॉप्सिकल्स को 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। तो मैंने ओवरनाइट पॉप्सिकल्स को फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था और हमारी पॉप्सिकल्स एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इन्हें डिमोल्ड कर लेते हैं। तो इन्हें डिमोल्ड करने के लिए मैंने एक ग्लास में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है। अब हम मोल्ड को पानी में डिप कर देंगे और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसे ही पानी में रहने देंगे। कुछ सेकेंड्स बाद मोल्ड को पानी में से बाहर निकाल देंगे और पॉप्सिकल को भी मोल्ड के अंदर से बाहर निकाल लेंगे।
तो देखिए हमारी पॉप्सिकल कितनी आसानी से बाहर आ गई है और ये कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो बस इसी तरह से हम बाकी की पॉप्सिकल्स को भी डिमोल्ड कर लेंगे। तो हमारी कलरफुल सी, ब्यूटीफुल सी, हेल्दी एंड डिलीशियस फ्रूट पॉप्सिकल्स बनके बिल्कुल तैयार है। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आप इन पॉप्सिकल्स को नारियल पानी के साथ भी बना सकते हैं और नींबू पानी के साथ भी बना सकते हैं। मुझे पर्सनली टेस्ट में नींबू पानी वाली ज़्यादा पसंद है। तो आप भी इसे दोनों तरह से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और ट्राई करने के बाद में पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी समर्स।